हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ते आ रहे हैं वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, उसके बाद हमने यूवी को शुरू किया और आज भी यूवी के अंतर्गत अल्ट्रावायलेट कंसेप्ट के अंतर्गत आज हम कुछ उसके चरण आगे और पढ़ेंगे, जिनमें क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स, बेथोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू रेड शिफ्ट कैसे होता है, कैसे इनकी वेवलेंस बढ़ रही है, बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन से कलर की कब आ रही है वेवलेंस, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी हम स्पेक्ट्रा को जब लेते हैं तो किस रूप में व्यक्त हो रहा है, उसकी वेवलेंथ कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, ये चीज़ें भी आज करें। इससे पहले आपके लिए सभी के लिए एक संदेश है और आप सभी भली भांति परिचित भी हैं कि इस महामारी के अंदर COVID-19 के अंदर हम सभी परेशानी में गुजर रहे हैं, लेकिन इसको परेशानी ना समझते हुए हम सभी इसके जो गाइडलाइन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी पालना हमें अक्सर से करनी है, जिसमें विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग को हमें अपने आप को मेंटेन बनाए रखना है, क्योंकि आने वाले समय में अभी हम विश्वविद्यालय की परीक्षा भी आयोजित करने जा रहे हैं, इसको भी देखते हुए आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। दूसरा, इसके अंदर आपको मास्क का प्रयोग अधिकतर समय में करके रखना, जब आप अकेले हो, अपने घर में हो, तब आप इसको हटा सकते हैं, अन्यथा हम जहाँ भी मार्केट में जा रहे हैं, विश्वविद्यालय परीक्षा देने भी आएंगे, तो आप मास्क का हर रूप में प्रयोग करना ही है, यानी मास्क के बिना आपको प्रवेश नहीं करना है। दूसरा, हम जब भी प्रवेश कर रहे हैं कहीं अनजान जगह में और में, तो सैनिटाइजर या हमारे पास कुछ हैंड वॉश इस प्रकार के रखें जिससे हम उनको हाथों को साफ कर सकें, 2-3 मिनट तक हम साबुन से हाथ धो सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को अगर हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी से निजात हम पा सकते हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मौका है कि इस प्रकार से आपको पढ़ने को YouTube पे और ई कंटेंट के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए एक ये परेशानी का भी दौर चल रहा है, इससे किसी को भी घबराना नहीं है और आगे आने वाले समय में हम निश्चित रूप से वापिस उन्हीं रस्तों पे मिलेंगे। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम YouTube के माध्यम से अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला चरण हम करवा रहे हैं। तो आज हम जो ले रहे हैं वह कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोम्स, इसी के रूप में हमारे पास आएगा बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोस्क्रोमिक शिफ्ट, हाइपर, हाइपो, इस प्रकार की इंटेंसिटी और वेवलेंथ यानी एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के मध्य किस प्रकार से बढ़ती जाती है, रेड टू ब्लू हो रही हैं या हाई टू लो हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्रोमोफोर्स क्या, सबसे पहले हम देखें कि ऐसे विलंगित असंतप्त समूह है जिसमें कम से कम एक पाई बंद हो, फॉर एग्जाम्पल एथिलीन जिसमें एक पाई बंद हमारे पास हो, 1,3-butadiene CH2 CH CH double bond CH2, ये 1,3-butadiene, एक पाई वन पाई टू, तो यहां आप देखिए एक पाई बंद हमारे पास है। तो क्रोमोफोर्स क्या है, जिसमें कि असंतृप्त कंपाउंड, असंतृप्त जिसमें डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड भी हैं, लेकिन उसके अंदर कम से कम एक पाई बंद उपस्थित हो, ऐसे जो ग्रुप हमारे पास आएंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रोमोफोर्स ग्रुप कहलाएंगे, जिसको वर्णमूलक भी कह देते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक एक ग्रुप के बढ़ने के कारण उसके अंदर कलर में कैसे प्रभावित होता है। इसी प्रकार से इनके साथ ऑक्सोक्रोम्स मीन्स जिसमें कि कलर बढ़ाने की क्षमता हो, अभिवृद्धि करने, जैसे OH ग्रुप, इसी प्रकार से OR ग्रुप, फिर कीटोन ग्रुप ले सकते हैं, H2O ग्रुप ले सकते हैं, NH2 ग्रुप ले सकते हैं, इट मीन्स जिसके पास लोन पेयर वाली स्थिति है। ऐसे ग्रुप अगर इसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसके कलर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जो का प्रभाव अर्थात ये कह सकते हैं हम कि कलर बढ़ाने वाले यानी वर्णवर्धक ऐसे संतृप्त समूह जिनमें कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। अब देखिए इसको अगर एक संपूर्ण स्टडी में हम उसको इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑक्सोक्रोम्स को एक लें तो आप देखेंगे अपर और लोअर, और ये है वेवलेंथ यानी ये तो है लैम्डा मैक्स और ये है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस एप्साइलन जिसको कह देते हैं। तो इन दोनों के मध्य अगर हम ग्राफ खींचे हैं तो हमें चार चीजें आएंगी, इसको बोलेंगे हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, हाइपो क्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तीसरा इसमें आता है हाइपर क्रोमिक इफेक्ट भी बोल देते हैं इसको, और चौथा आता है हमारे पास
हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये चार चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, जब हम करें रेड की होता है, अर्थात जब ये हमारे पास एक स्ट्रेंथ आ रही है एब्जॉर्बेंस की और लेमडा की, इसके मान में, किसके लेमडा के मान में जब अभिवृद्धि हो, यानी हमारे पास ये आ रही है और क्या आ जाए, ये एक्सेस चली जाए, तो ये जो मान बढ़ रहा है, या हम ये कहें कि इसके मान में कमी आ जाए, ये पहले से ही यहीं पे आ जाए, इसका मतलब इसके और इसके मध्य में ये कमी आ गई, तो ये कहलाता है हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, जब लेमडा के मान में कमी आती है ब्लू शिफ्ट की ओर, और जब लेमडा के मान में वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको रेड शिफ्ट वृद्धि होती है तो वो कहलाती है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी प्रकार से एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी की हम बात करें, अगर मान लीजिए इंटेंसिटी इसकी बढ़ रही है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर कम हो रही है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये एक पूरा संपूर्ण विवरण है जिसके बारे में हम वन बाय वन अब हम लेंगे। देखिए पहले हमने लिया क्रोमोफोरिक। क्रोमोफोर्स क्या था, वर्णमूलक जिसको कहते हैं, यानी ऐसे विलंगित असंतर्प समूह है जिसमें कम से कम एक पाई बंद हो, मैंने कहा था जिससे कम से कम क्या हो, एक पाई बॉन्ड उपस्थित, उसमें एथिलीन के हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल एथिलीन या 1,3-ब्यूटाडाइन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन भी ले सकते हैं, और नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं इसमें, सीओ कंपाउंड जैसे नॉन बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पाई पाई स्टार के साथ, एन पाई स्टार के साथ ट्रांजिशन भी होगा। तो इसमें कौन कौन से आ गए हमारे पास, पाई बंद तो होगा ही होगा, और दूसरा इसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, सीओ समोसाइक यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर वाले, जिसमें क्या आएंगे, तो पाई पाई स्टार तो किसका हो गया, जैसे हमने लिया एथिलीन का, तो ये हमारे पास पाई हो गया, तो यहां से पाई से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट, तो ये एक की लेमडा मैक्स जो आ जाती है यानी 165 किसकी, एथिलीन की, तो ये हमारे पास होगा पाई से ये पाई बॉन्डेड हो गया, पाई स्टार ये हो गया नॉन एंटी बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये हो जाती है बॉन्डिंग। इसी प्रकार से अगर हम इसकी लेंगे किसका, सी एच सी ऐसे कर दें इसको, 1,3-ब्यूटाडाइन का, तो यहां हम देखेंगे पाई 1 बॉन्डेड वाले, पाई 2 बॉन्डेड, इसी का क्या आ गया इसका एंटी बॉन्डिंग, पाई 3 स्टार इसको दिखा दें, और पाई 4 स्टार से दिखा दें, तो ये क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए। तो यहां पे आप देखेंगे एक एग्जांपल हमने लिया, ऐसे यौगिक जिनमें रंगहीन होते हैं जो नाइट्रोक्रोमोफोर्स की बात करते हैं, ऐसे यौगिक भी रंगहीन दिखाई देते हैं, कौन से, जैसे एल्कीन है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन है, ये तो है, और ऐसे यौगिक भी हैं जो रंगहीन होते हैं, लेकिन नाइट्रो की जब बात करें तो क्या रंगीन, देखिए नाइट्रोबेंजीन एग्जाम्पल हम लिया, नाइट्रोबेंजीन क्या हल्के रंग का, ये नाइट्रोबेंजीन हमने लिया ये कैसा है, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का नजर आता है, लेकिन मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन हम ले लें, ये नाइट्रो और मेटा पोजिशन के ऊपर जब नाइट्रो ग्रुप एक और जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन, तो ये क्या हो जाता है, गहरे पीले रंग का हो जाता है, गहरे पीले रंग का, तो ये गहरे पीला रंग किसके कारण से आया, एक नाइट्रो ग्रुप हमारे पास और बढ़ गया, इसलिए हमने कहा ना जैसे ऑक्सोक्रोम, ये कौन सा हो गया, कलर बढ़ाने वाले, वर्ण वर्धक वाले, तो इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा, गहरे पीले रंग का, अर्थात क्या कहेंगे, किसी रंगीन यौगिक के लिए ये आवश्यक है कि उसके अणुओं में क्रोमोफोरिक समूह हो, क्रोमोफोरिक समूह कौन सा, जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक पाई बंद उपस्थित हो कम से कम, लेकिन क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक रंगीन ही हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो रंगीन ही हो। दूसरा हमने लिया इसके अंदर ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम वर्णवर्धक यानी ऐसे संतृप समूह है जिनमें कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज हो, ऑक्सोक्रोम्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल OH, OR, NH2 ग्रुप, NR2 ग्रुप इत्यादि, यानी इन ऑक्सोक्रोम्स की उपस्थिति में किसी क्रोमोफोरिक समूह है, क्रोमोफोरिक समूह है के अवशोषण की तीव्रता एवं तरंग दर्द में परिवर्तन होता है। जैसे नाइट्रोफिनोल एक गहरे पीले रंग का है, नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का, अभी देखा हमने नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का, लेकिन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन गहरा है, अगर ये फिनोलिक जोड़ दें यानी इसके अंदर क्या जोड़ दें, OH समूह और जोड़ दें NO2OH, तो ये हाइड्रोक्सी वाला समूह आ गया, इसका मतलब ये भी कौन सा है, ऑक्सोक्रोम है, तो इससे भी परिवर्तन होगा, ये क्या हो गया, गहरे पीले रंग का हो जाएगा। इसके बाद
आता है शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस पीक, इनकी पीक जो मैंने कहा था रेड शिफ्ट की ओर हो रही है, ब्लू शिफ्ट की हो रही है, या अपर एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है या लोअर, तो ये देखिए वन बाय वन। किसी अणु में किसी परमाणु अथवा समूह के परिवेश से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लेमडा मैक्स तथा ई मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। ई मैक्स एब्जॉर्बेंस में और लेमडा मैक्स उसकी वेवलेंथ में, अर्थात अवशोषण शीर्ष विस्थापित हो जाता है। पहला है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, ये अलग से भी शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं। बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लेमडा मैक्स के मान में वृद्धि। कौन सा? लेमडा मैक्स। ये हमारा एक्चुअल मान था लेमडा मैक्स का, जो पीक कहाँ आ रही थी? यहाँ आ रही थी, ये आ रही थी पीक यहाँ पे। अब क्या किया हमने, जैसे इसकी बेथोक्रोमिक शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ नहीं होकर के आगे आ गई, ये इतना बढ़ गई, इसका मतलब यहां से यहां तक वृद्धि होगी, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, लेमडा मैक्स के मान में वृद्धि। तो किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लेमडा मैक्स के मान की वृद्धि को हम कह देते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अतः अवशोषण शीर्ष क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर, रेड शिफ्ट की ओर खिसक जाएगा, और इसे हम कह देते हैं रेड शिफ्ट भी कह देते हैं। बेस वैल्यू बी बॉन्ड जो 256 प्राप्त होती है इसकी, टोलुइन की देखें तो हम 261 प्राप्त होती है, एनएम पर खिसक जाती है, यानी इतनी वृद्धि इसकी होगी। बेंजीन की अगर हम देखें तो ये स्थिति थी, बेंजीन में क्या था हमारे पास, ये बेंजीन है, और इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो बी बॉन्ड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 256 एनएम। लेकिन यहीं पे अगर हम मिथाइल ग्रुप बोल रहे इसमें क्या बन गया टोलुइन, इसकी वैल्यू क्या होगी 260 एनएम, ये वृद्धि होगी। इसके साथ विलायक का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कैसे? विलायक परिवर्तन से भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। जैसे एथेनॉल में एसीटोन का यूवी अगर हम लें तो 272 एनएम पर लेमडा मैक्स प्राप्त होता है। विलायक हेक्सेन में अगर लेंगे तो 279 पर लेमडा मैक्स प्राप्त होता है। इसका मतलब ग्रुप तो है ही है, उसके साथ अगर इसका विलायक को भी हम चेंज करते हैं तो उसके कारण भी बेथोक्रोमिक शिफ्ट में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा था हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी इसको वर्णोत्सर्जी विस्थापन भी कह देते हैं। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लेमडा मैक्स के मान में कमी को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अधिकता को हमने क्या कहा? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। कमी को क्या करें? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। मैंने कहा था ना एक्चुअल मान के अंदर भी विलायक का प्रभाव पड़ता है, जैसे आपको पहले बताया था, जैसे बेथोक्रोमिक में था वैसे हिप्सोक्रोमिक में भी विलायक का प्रभाव पड़ता है। कैसे? जिस तरह से बताया था आपको कि कभी कभी विलायक परिवर्तन से भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रेषित होता है, यानी हेक्सेन में एसिटेल्डिहाइड का आर बैंड मैंने कहा 293 पे प्राप्त होता है, जबकि आइसो ऑक्टेन में यही बैंड जो है 290 पे प्राप्त होता है। इसका मतलब 293 से 290 की तरफ आ गया, यानी ब्लू शिफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। तीसरा आता है इसके अंदर कौन सा? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है, जिसको बोलते हैं वर्णातिशय प्रभाव, या ये कह सकते हैं हम हाइपरक्रोमिक वर्णातिशय प्रभाव, यानी किसी यौगिक में किसी परमाणु या समूह के परिवर्तन यानी कैसे, या विलायक के परिवर्तन से यदि उसके यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषणांक यानी तीव्रता ई मैक्स के मान में वृद्धि हो जाए। ई मैक्स का मान हमारा यहाँ था, लेकिन किसी ग्रुप के आने के कारण हम कहें इसका ई मैक्स का मान कहाँ चला गया? अपर। इतना मान बढ़ गया, ये जो रेड से मैंने दिखा रहा है इतना मान इसका वृद्धि हो गई, तो ये क्या कहलाता है? हाइपरक्रोमिक प्रभाव। जो मैन यहाँ से था यहाँ से इतना बढ़ गया, ये प्रभाव कहलाता है हाइपरक्रोमिक, जो ई मैक्स के प्रभाव को दर्शाता है। ई मैक्स भी बोल देते हैं या एप्साइलोन मैक्स भी बोल देते हैं, एब्जोर्टी। इसी प्रकार से हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, हाइपोक्रोमिक या अवर्णी प्रभाव, ये क्या है? किसी यौगिक में एक परमाणु या समूह के परिवर्तन अथवा विलायक के परिवर्तन में यदि अवशोषण की तीव्रता एब्जॉर्बेंस की तीव्रता क्या हो जाए? कम हो जाए। ये नीचे की ओर एरो दिखाया मैंने, पहले यहाँ था अब इसने इतनी कम होगी, तो कम हो जाए तो यूवी स्पेक्ट्रम में इसका अवशोषणांक शीर्ष जो है वो नीचे हो जाएगा, यानी एब्जॉर्बेंस का मान जो है वो पहले से कम आ जाएगा। एब्जॉर्बेंस का मान जो बढ़ेगा तो हाइपोक्रोमिक हो गया, क्योंकि पहले वाला मान अगर हम देखें तो ये था, और ये मान क्या हो गया हमारे पास बढ़ने के बाद हो गया। तो ये जो अभिवृद्धि है ये क्या कहलाती है? इसकी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, यानी पहले हमारे पास मान ये था और अब ये मान लीजिए ये आया है, तो ये क्या हुआ? एरो क्या बनेगा? नीचे की ओर। इतने मान में कमी हुई किसके? एब्जॉर्बेंस के। ये कहलाता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट।
ये चारों को एक साथ हमने यहाँ दर्शाया भी है, पहले बात हो चुकी कि ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट है, इस और ये हाइपोस्क्रोमिक शिफ्ट है, दूसरा हाइपरक्रोमिक जब एब्जॉर्बेंस में वृद्धि हो जाए, इसकी एब्जॉर्बेंस में वृद्धि हो जाती है, और जब एब्जॉर्बेंस के मान में कमी होती है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये ओवरऑल मान मैंने बताया गया नीले से रेड, यानी अगर लेमडा मैक्स के मान जो है वो 200 nm से 800 nm तक, जो मैंने कहा था यूवी का एक क्षेत्र है हमारा विजिबल का, उसके अंदर अगर बढ़ रही है, इसका मतलब लेमडा मैक्स के मान नीले से लाल की ओर बढ़ रहा है, और अगर मान लीजिए ये मान कम हो रहा तो क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट टू ब्लू शिफ्ट, लाल से नीले की ओर हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला नेक्स्ट पॉइंट एक छोटा सा, और इसमें वो है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कि हमने बात की थी अभी, सॉल्वेंट के द्वारा भी हाइपोक्रोमिक बेथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर प्रभाव पड़ रहा है, तो इनकी चॉइस कैसे की जाए, तो इसमें थोड़ा सा देखिए आप, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी के लिए हमने ऐसे विलायक का चुनाव किया जाता है, कौन सा विलायक, जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उस क्षेत्र से, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें बात कर रहे हैं, कि उस क्षेत्र से अवशोषण न करे, कौन से में जिसमें कंपाउंड अवशोषित कर रहा है उस क्षेत्र को अवशोषित न करे जिसमें हम यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सॉल्यूशन हमने ऐसा लिया विलायक और उस क्षेत्र का भी अवशोषण कर लेगा तो हमारे पास कंपाउंड का एब्जॉर्बेंस या उसकी वेवलेंथ जो है वो सही नहीं आएगी, तो ऐसा विलायक लेना चाहिए जो कि उस क्षेत्र का अवशोषण न करे। इसी प्रकार से विलायक ऐसा होना चाहिए यूवी के लिए जो उस क्षेत्र यानी 200 से 800 nm नैनोमीटर तक के क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण न करे, यानी जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र के अलावा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र का अवशोषण नहीं करें तो सिर्फ जो आएगा अवशोषण वो किसका आएगा, हमारे कंपाउंड का मान ही आएगा। इसमें लेते हैं देखिए सिग्मा सिग्मा स्टार की बात की, जिसके अंदर हमने कल बताया भी था आपको सिग्मा सिग्मा स्टार और पाई वाले में थोड़ा सा अंतर करके एक बार आप पुनः देख लें इसको, ये हमने लिया था कल आपको ध्यान हो तो, सिग्मा लिया था पाई एन पाई स्टार और ये था सिग्मा स्टार, इसका मतलब क्या था, सिग्मा से सिग्मा स्टार हमने कहा था सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है एनर्जी का, उसके बाद पाई एन पाई सिग्मा, पाई से पाई स्टार भी ले सकते हैं, फिर एन से पाई स्टार, फिर एन से सिग्मा स्टार, तो सबसे कम किसकी हुई, एन से पाई स्टार की, सबसे ज़्यादा किसकी है, सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण में ऊर्जा का अंतर अधिक होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में निर्वात प्रावैग्निक क्षेत्र में अवशोषण होता है, यूवी का वैक्यूम के अंदर जो हमने कहा निर्वात के अंदर इसका अवशोषण होगा, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो एकल बंध उपस्थित हो, हेक्सेन तथा साइक्लोहेक्सेन का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में हम उपयोग में लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई हीटरो एटम भी हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन जैसे मान लीजिए विषम परमाणु युक्त संतृप्त यौगिकों में सिग्मा सिग्मा स्टार के अतिरिक्त क्या आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर क्या है, नो इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो क्या होगा, नॉन बॉन्डेड से किसमें चला जाएगा, सिग्मा स्टार से ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक तो हमारे पास क्या थी, सिग्मा से सिग्मा स्टार, जो सिर्फ सेचुरेटेड की बात हम कर रहे थे, पर हमने कहा सेचुरेटेड के साथ अगर कोई हीटरो एटम भी लगा हो जिसमें ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है सल्फर है, तो ऐसा ही परमाणु होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो सिग्मा सिग्मा स्टार के साथ साथ एन सिग्मा स्टार भी शो करेगा, तो एन सिग्मा स्टार की ऊर्जा है सिग्मा सिग्मा स्टार से क्या है, कम है, फिर भी इसका मान पर्याप्त होता है और ये यूवी स्पेक्ट्रम की निर्भरता के क्षेत्र से ही अवशोषित करता है, यूवी क्षेत्र से ही अवशोषण करेगा, अतः ROH ROR H2O का भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में हम प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद आता है पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार में संक्रमण में सामान्यतः इसमें कुछ ध्रुवणता आ जाती है, पोलरिटी आ जाएगी, कैसे, ध्रुवित विलायक उस उत्तेजित अवस्था को स्थायी कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कम ऊर्जा का अवशोषण करेगा अर्थात अधिक लेमडा मैक्स का अवशोषण करेगा, अतः क्योंकि पाई से पाई स्टार क्या है, ऊर्जा का मान बहुत ही कम हो जाता है, अतः विलायक की ध्रुवणता बढ़ने से बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी प्रेषित हो जाएगा। नेक्स्ट था इसमें एन पाई स्टार संक्रमण, यानी नॉन बॉन्डेड से पाई स्टार, कहा था ना नॉन बॉन्डेड से हमारे पास था सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डेड से क्या था पाई स्टार, ये क्या थी ऊर्जा, कीटोन जैसे समूह में ध्रुवित विलायक या यौगिक को मूल अवस्था में स्थायी करता है, अधिकतर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रेषित होता है, इसमें
अर्थात अध्रुवी विलायक हेक्सेन में एसीटोन का मैंने कहा 279 nm एब्जॉर्बेंस है, जबकि ध्रुवी विलायक में ये 264 nm प्री अवशोषित दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम इनकी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को भी बात हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे ईन अर्थात 1,3-ब्यूटाडाइन या एल्कीन, इसके ऊपर यूवी स्पेक्ट्रम इनका कैसे निर्धारित करें, किस तरह से इनकी ऊर्जा का और एब्जॉर्बेंस का मान परिवर्तित होता है। थैंक यू।